हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिसीज लर्निंग। सो बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली छुट्टी में मैं जब घर गया था तो जो स्टडी मटेरियल वगैरह का काम था वो हम लोग कर रहे थे। स्टडी मटेरियल फाइनल रेडी होके हमने बहुत सारे 100+ स्टूडेंट्स के पास भी भेज भी दिया है और उनको मिल भी गया है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ काम में और टीम को कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस वगैरह कैसे आगे काम करना है वो सब चीज़ गाइड करने के लिए मैं थोड़ा बिजी रह गया था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे RIC प्रिपरेशन सीरीज को। एंड जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जैसे आपको मिल रहा था अभी तक दो ढाई साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आपको कैसे बिना दिक्कत में मतलब आप आराम से प्रिपरेशन करके RIC एग्ज़ाम क्रैक कर लो, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब पहले क्या होता था कि जब RIC के बारे में किसी को पता भी नहीं था, आजकल भी बहुत कम लोगों को पता है, तो इसीलिए डिसीज लर्निंग चैनल ने आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जो कि RIC एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एंड RIC में एडमिशन लेने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, एंड आपको पता है हमारा ऑनलाइन कोचिंग भी है जिसके थ्रू हम कंप्लीट प्रिपेरेशन कराते हैं हर एक टॉपिक का जो कि RIC में क्वेश्चन पूछता है, तो उसके रिलेटेड भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो, मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर देयर इन RIC रीजनल BEd में कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप ए वालों का। ग्रुप ए मतलब होता है आफ्टर 12th जितने भी बच्चे अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ए। ओके, ग्रुप ए में आपका इंटीग्रेटेड 4 ईयर के कोर्स एंड इंटीग्रेटेड 6 ईयर के कोर्स होते हैं। इंटीग्रेटेड 4 ईयर के कोर्स में 3 स्ट्रीम होता है, एक होता है आपका BA BEd, दूसरा होता है BSc BEd फिजिकल साइंस और PCM, तीसरा होता है BSc BEd बायोलॉजिकल साइंस और CBZ, और उसके साथ साथ आपका इंटीग्रेटेड 6 ईयर का कोर्स भी है जिसमें भी 3 स्ट्रीम होता है, जिसमें MSc Ed फिजिक्स, MSc Ed केमिस्ट्री, MSc Ed आपके मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, तो ये 6 स्ट्रीम होते हैं। आफ्टर 12th आप एग्जाम दे सकते हो इन 6 स्ट्रीम के लिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो एंड आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी ये चारों का कॉम्बिनेशन है तो आप इन 6 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आर्ट्स है 12th क्लास में तो आप सिर्फ BA BEd में अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आपका सिर्फ PCM है, बायोलॉजी नहीं है, तो आप जो है 4 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, दैट इज BSc BEd PCM, MSc Ed फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड MSc Ed मैथ, तो ये 4 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका PCB है, मैथ नहीं है, तो आप सिर्फ 1 स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हो, दैट इज BSc BEd CBZ, नहीं 2 स्ट्रीम में, एक BA BEd भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि साइंस के बच्चे आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आर्ट्स के बच्चे साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, कॉमर्स के बच्चे भी RI एग्जाम दे सकते हैं और RI में पढ़ सकते हैं, आर्ट्स में लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो साइंस वाले, आर्ट्स वाले एंड कॉमर्स वाले इसमें पढ़ सकते हैं। अगर किसी का BTech है तो 2 ईयर BEd भी कर सकते हैं, साइंस एंड मैथ अगर आपका था तो आप 2 ईयर BEd में भी एडमिशन ले सकते हो RI में। ठीक है, ये सब चीज़ें। एज लिमिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो, फॉर ग्रुप ए का अगर हम बात करेंगे तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट लिमिट आपका है। अगर आप देखो 3 बार मैक्सिमम आप RIC का एग्जाम दे सकते हो ग्रुप ए लेवल में बात कर रहे हैं। ग्रुप बी का ऐसा कोई लिमिट नहीं है, अपर एज लिमिट हो सकता है, लेकिन कोई आपका अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है BEd के केस में। सिर्फ रीजनल BEd नहीं, हर एक जगह पे ऐसा ही होता है, कोई एज मतलब अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता, लेकिन ग्रुप ए में 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आप 2022 में मतलब इसी साल अगर आप पास आउट होते हो, इस बार आपने एक बार ऑलरेडी 2022 का जो एग्जाम 24 जुलाई को था फॉर एग्जांपल, वो वाला एग्जाम आपने दिया है और आपका नहीं हुआ इस बार सिलेक्शन, तो इसके बाद आप 2 साल और दे सकते हो। आप 2022 में पास आउट हुए, इसी साल ही आपने एक एग्जाम दिया, उसके बाद 2023 में और 2024 में भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास और 2 अटेम्प्ट हैं। अगर आप 2020 में पास आउट हुए हैं तो आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि 2020 में एक बार, 2021 में सेकंड टाइम एंड 2022 में आपका 3rd अटेम्प्ट था। तो जो भी 2020 में पास आउट हो चुके हैं 2020 को, वो अब ग्रुप ए के लिए RIC का एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि RI के अकॉर्डिंग ये मानना होता है कि अगर आपने 2 साल का गैप लिया है तो उसके बाद आप 3rd ईयर में आप होगे डेफिनेटली, ऐसा RI सोचता है, और आपको वो 2 ईयर BEd के लिए मौका देंगे, इंटीग्रेटेड के लिए नहीं देते हैं। तो एज जो गैप है वो 2 साल तक मैक्सिमम अलाउड है। ठीक है,
ये आपको मतलब समझना चाहिए। मैंने जो बोला कि ऐसा मानते हैं, ऐसा मानने ना मानने में कोई दिक्कत नहीं है, वो बस मतलब आपका ये रूल है कि आरआई में आप 2 ईयर का मैक्सिमम एज गैप आप ले सकते हो। अगर आप 2020 में पास आउट हो तो आप 2023 में आरआईसी का एग्जाम नहीं दे सकते, लेकिन अगर आप 2021 में आरआई 12th पास आउट हो तो आपने 2021 में एक बार दिया, 2022 में आपने दूसरी बार दिया, तो एक और अटेम्प्ट आपके पास है। दोज हू हैव पास्ड 12th in 2021, they have another attempt that is in 2023. आप 2023 में एक और बार RIC का एग्जाम दे सकते हो। एंड जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है 2022 में फर्स्ट टाइम, आप 12th भी पास आउट हुए हो एंड RIC का एग्जाम भी आपने फर्स्ट टाइम दिया, तो और दो बार आप दे सकते हो 2023 में एंड 2024 में। ठीक है, तो अगर किसी का बहुत क्लोज होके नहीं हो पाया या फिर अच्छे से प्रिपरेशन की वजह से नहीं हो पाया, तो आप जो है DCS लर्निंग एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो एंड कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने स्टडी मटेरियल। देखो हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको 3 बुक मिलेगा। ये देखो टीचिंग एप्टीट्यूड का बुक है, ठीक है, उसके बाद ये आपका रीजनिंग एबिलिटी का बुक है, ठीक है, दिस इज रीजनिंग एबिलिटी बुक एंड दिस इज योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक। ठीक है, हम आपको इस तरह से 3 बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग 3 बुक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपको बुक फॉर्मेट में होगा, स्पाइरल बाइंडिंग में नहीं होगा, आपको बुक फॉर्मेट में इस तरह से आपको 3 बुक देखने के लिए मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट का, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट का 3 बुक। अगर आप सिर्फ 3 बुक्स परचेज करते हो तो इंडिविजुअली अगर एक बुक कोई एक बुक से परचेज करते हो उसको तो दाम जो प्राइस है 450 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप कॉम्बाइंड परचेज करते हो तीनों बुक का तो आपको 450 पर बुक पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। आपको इन 3 बुक का प्राइस हो जाएगा 1200 रुपीज़ इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज, मतलब आपको और कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। 1200 रुपीज़ में आपको ये तीनों बुक मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट का। अलॉन्ग विद दैट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑफलाइन प्रैक्टिस, तो आपको हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये तो आपका देखो ये जो 3 बुक हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इन तीनों बुक के अंदर आपका थ्योरी MCQ दोनों है, सफिशियंट नंबर ऑफ MCQ है, लेकिन आपको फर्दर MCQ प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक प्रैक्टिस बुक भी हम दे रहे हैं। देखो RIC के एग्जाम में 80 क्वेश्चन होते हैं, 160 मार्क, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसमें इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन होता है। तो इस प्रैक्टिस बुक में इस तरह का 10 टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 10 मॉक टेस्ट ऑफलाइन मतलब इस बुकलेट के अंदर आपको मिलेगा, और उसको करने के लिए हम आपको एक OMR सीट भी प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये भी आपको मिलेगा ग्रुप ए में, और एक चीज आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप जो है ग्रुप ए में ज्वाइन करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम अलग से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्रुप ए का टोटल मटेरियल है। अगर सिर्फ 3 बुक्स आप लेते हो तो आपका जो प्राइस हो जाएगा 1200, लेकिन अगर आप एक कंप्लीट मटेरियल लेते हो, ठीक है, जिसमें आपको 3 बुक मिलेगा, प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड OMR, इसका जो प्राइस है 1600 रुपीज़ है, ये इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज है। ठीक है, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्ज ये आपका मतलब 1600 रुपीज़ है। इसमें देखो आप डिस्काउंट नहीं मांगेंगे क्योंकि डिस्काउंट हम आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके साथ हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बुक का परचेज जो इसमें बनाने के लिए बहुत पैसा खर्चा हुआ है, इन सब चीज़ को करने के लिए, टीम मैनेज करने के लिए, तो हम 1600 में आपको डिस्काउंट तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बहुत सारे फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मतलब फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। 1600 के बुक के साथ हम आपको 50 ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप 30 अक्टूबर से पहले परचेज करते हो तो ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ आपको 50 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट होगा और 30 आपको जो है सेक्शनल टेस्ट होगा। क्योंकि अगर आप ये बुक देखोगे तो यहाँ पे इन बुक्स में लिखा है कि 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री में मिलेंगे, तो ये 10 मॉक टेस्ट हर एक बुक के साथ, मतलब आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेगा 3 बुक का, प्लस 20 एक्स्ट्रा फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे ऑफर प्राइस में। 30 अक्टूबर से पहले परचेज करते हो तो ये आपके लिए ऑफर है, तो आपको 50 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। डिस्काउंट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इतने सारे टेस्ट आपको एक्स्ट्रा दे सकते हैं। अगर किसी को ये जो मतलब प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन ही करना है तो आप 100 रुपये पे कर सकते हो, मतलब अगर आप ये 3 बुक ही लेना चाहते हो। ठीक है, अगर आप ये 3 बुक्स लेना चाहते हो तो इसके साथ अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो ये जो मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये सब चीज़ जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपये आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ
1200 पे करते हो तो 3 बुक मिलेगा, और 1200 के साथ अगर एक्स्ट्रा 100 पे करते हो तो ये जो चीज़ है जो 400 में हम आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर रहे हैं ये ऑनलाइन मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड OMR ये हम आपको ऑनलाइन दे देंगे। 100 रुपीज़ से इसका चार्ज रहेगा, लेकिन ऑफलाइन लोगे तो इसका जो पेपर का प्रिंट आउट और इसका डिलीवरी चार्ज रहेगा, दैट्स व्हाई इसका प्राइस 400 हो जाएगा। तो 1200 प्लस 400 ये इसका प्राइस है 1600 रुपीज़। लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा भी जैसे मैंने बोला 50 आपको ऑनलाइन टच मिलेंगे। ये ग्रुप ए का था। अब देखो हमने एज लिमिट देखा कि कोई एज लिमिट नहीं होता, 3 अटेम्प्ट होते हैं ग्रुप ए वालों के लिए। ग्रुप बी वालों का अगर बात करेंगे तो ग्रुप बी वालों के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं होता, आप जो है कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हैं। तो आपके लिए क्या क्या स्ट्रीम अभी तक अवेलेबल है, अभी तक 2022 में क्या क्या अवेलेबल है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक आपके पास 3 स्ट्रीम अवेलेबल होते हैं। एक 2 ईयर BEd आर्ट्स, 2 ईयर BEd साइंस एंड आपका इंटीग्रेटेड BEd MEd होता है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आप सिर्फ एक स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 2 ईयर BEd साइंस या फिर 2 ईयर BEd आर्ट्स। ठीक है, तो दोनों में से अगर आप साइंस या मैथमेटिक्स का अगर आपका स्ट्रीम है तो साइंस एंड मैथमेटिक्स 2 ईयर BEd के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका आर्ट्स या लैंग्वेज है तो 2 ईयर BEd आर्ट्स एंड लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, दोनों में से कोई एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, इफ यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट, देन यू कैन अप्लाई सेकेंड स्ट्रीम, दैट इज कॉल्ड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd। ये भी NCT UGC अप्रूव्ड है, इसके बाद भी आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो अभी तक सिर्फ आर आई भोपाल में अवेलेबल है, तो आर आई भोपाल ऑल इंडिया लेवल से बच्चों को लेता है इंटीग्रेटेड 3 ईयर BEd MEd के लिए। बाकी 2 ईयर BEd के लिए आपका अलग अलग आर आई है। ठीक है, और इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd के लिए अलग अलग आ रही है, लेकिन इंटीग्रेटेड MSc Ed के लिए सिर्फ एक ही आ रही है फिलहाल आ रही में शुरू। ठीक है, और 2 ईयर BEd के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसके साथ साथ आप 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd, मतलब जिसको ग्रुप बी बोलते हैं, ग्रुप बी में 3 स्ट्रीम आता है, 2 ईयर BEd आर्ट्स, 2 ईयर BEd साइंस एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd, इसके लिए भी हमने स्टडी मटेरियल बना लिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छे से, इस बार आपने प्रिपरेशन किया बहुत क्लोज में कट गया या अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, डिसीजन लर्निंग के बारे में आपको बहुत लेट पता चला, तो आप हमारे कंप्लीट स्टडी मटेरियल ले सकते हो, जिसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट ए मिनट, देखो ये 3 बुक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जस्ट एक मिनट देखो ये 3 बुक, बुक फॉर्मेट में वो वाला भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ग्रुप ए के लिए भी आपको इस तरह से ही मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी का बुक ये है, उसके बाद ये देख सकते हो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का बुक, और ये आप देख सकते हो टीचिंग एबिलिटी का बुक। तो ये 3 बुक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप बी के लिए परचेज करना चाहते हो तो 3 बुक आपको मिलेगा। ठीक है, ये 3 बुक का प्राइस भी वही सेम 1200 रुपीज़ है। अगर सेपरेटली परचेज करते हो तो 450 रुपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप कॉम्बाइंड परचेज करते हो तो 3 बुक का प्राइस आपका 1200 रुपीज़ रहेगा। और इसके साथ भी हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके साथ भी हम आपको जो है प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो ग्रुप बी के केस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट को एक साथ ही रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिस बुकलेट कंटेन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस सेट लिखा है फॉर लेवल टू, मतलब ग्रुप बी होता है, इसमें दोनों चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, दोनों। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उसके बाद में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका ये देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर लेवल टू स्टार्ट होता है। तो ये 4th बुक अगर आप लेते हो तो इसका प्राइस 400 रुपीज़। इसके साथ भी हम आपको इस तरह का OMR प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 10 मॉक टेस्ट आपको ऑफलाइन मिल रहा है, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के लिए आपको 10 OMR सीट प्रोवाइड कर रहे हैं। OMR बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में एग्जाम होते हैं RI का। तो अगर आप सिर्फ 3 बुक लेते हो तो इसमें भी आपका 1200 रुपीज़ है, और ये जो लेते हो इसके साथ ये जो मतलब कंप्लीट बुक जो स्टडी मटेरियल लेते हो तो इसका प्राइस 1600 है। लेकिन अगर इसको आप ऑनलाइन ही लेना चाहते हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इसका PDF लेना चाहते हो या ऑनलाइन में लेना चाहते हो, तो इसका 100 रुपीज़ ही आपका रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मॉक टेस्ट है वो आपको गूगल फॉर्म में ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगा, तो दोनों मिल जाएगा आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने में। अगर 1600 देते हो तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, इसके साथ भी आपको 50 जो है टेस्ट फ्री में मिलेगा। अगर आप अक्टूबर 30 से पहले परचेज करते हो तो फ्री में आपको 50 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, 30 हर एक बुक का हमने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो 10 मॉक टेस्ट हर एक बुक में मिलेगा। तो 3 बुक का 30 सेक्शनल टेस्ट एंड 20 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएगा, जैसे ग्रुप ए में मिलता है, ग्रुप बी के लिए मिल जाएगा। ग्रुप सी मतलब जो 2 ईयर MEd होता है, उसके लिए भी हम स्टडी मटेरियल बना रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, हम उसको भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे YouTube के थ्रू, और वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये तो स्टडी मटेरियल का है।
इसके साथ हम और क्या प्लान किए हैं, कैसे हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन देखो। हम इसके साथ आपको टोटल 160 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आप 2000 वाला कोर्स ज्वाइन करते हो। 2000 वाला कोर्स क्या है, इन 2000 रुपीस पैकेज और कोर्स यू विल गेट द कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो मैंने आपको दिखाया। कंप्लीट ग्रुप ए के लिए या ग्रुप बी के लिए आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, ए हो या बी ग्रुप हो। और उसके साथ साथ आपको 160 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, मतलब वीकली बेसिस पे हर एक वीक का आपको टेस्ट मिलेगा। हर एक वीक मंडे को या फिर कोई भी दिन का कोई भी डे, फिलहाल हमने मंडे फिक्स किया है, तो हर एक वीक का आपको टेस्ट मिलेगा। अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो प्रीवियस टेस्ट भी आपको सारे मिल जाएंगे। 2000 रुपीस में आपको वीकली टेस्ट मिलेगा एंड आपको 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा एंड टोटल 160 आपको टेस्ट मिलेगा टिल एग्जाम डेट। आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा, 160 टेस्ट है जो कि मोर देन एनफ फॉर द एग्जाम है, आराम से आप क्रैक कर सकते हो। हमने 80 टेस्ट रखा था 2022 के प्रिपेरेशन के लिए, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यू कांट बिलीव 300 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने हमारा कंप्लीट कोर्स या स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज परचेज किया था, ठीक है। सिर्फ ग्रुप ए के लिए बता रहा हूँ, ग्रुप बी का अभी रिजल्ट निकल रहा है, उसमें से भी हमको अपडेट मिल रहा है, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। सिर्फ ग्रुप ए में 300 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है डीसीएस लर्निंग एकेडमी से। आप पूछ भी सकते हो उन स्टूडेंट को जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप खुद पूछ सकते हो उन बच्चों को कि आप कहां से प्रिपेरेशन किए थे, वो आपको बता देंगे, सब लोग आपको बता देंगे। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। एंड आप सर्च भी कर सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सारा चीज़, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, आपको ट्रस्ट होगा तो आप। एक और चीज़ है, टेलीग्राम में जाके भी देख सकते हो, हमारा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, हर जगह हम अपना फीडबैक अपलोड करते हैं बच्चों का। तो टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे भी आपको बहुत सारा अपडेट मिल जाएगा, फीडबैक मिलेगा बच्चों का जी सही में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, बच्चों का रियल फीडबैक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 2 ईयर बीएड के केस में कोई अटेम्प्ट लिमिट ऐसा नहीं होता, कोई अपर एज लिमिट हो सकता है, वो मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा अपर एज लिमिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये जितना भी अपर एज लिमिट होगा, ऐसे मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा अपर एज लिमिट नहीं है, 40-42 तक भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई प्रेस्क्राइब तो कहीं पे लिखा नहीं है, तो कोई अपर एज मतलब कोई एज लिमिट अटेम्प्ट लिमिट कोई मुझे नहीं लगता आ रही, मतलब 2 ईयर बीएड के केस में या 2 ईयर एमएड के केस में आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन 40 ईयर के बाद तो वैसे भी कोई ज़्यादा देंगे ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन एग्जैक्ट जो एज लिमिट है वो मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा, अभी तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं रहता है, ठीक है। तो या फिर कोई मेंशन नहीं है, हो भी सकता है तो मेंशन वहाँ पे नहीं है। तो 2 ईयर बीएड के केस में आप 3 साल 4 साल 5 साल या 10 साल के बाद भी अगर एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, उसमें कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 ईयर एमएड के लिए भी सेम चीज़ है। तो ये रहा आरआईसी का अटेम्प्ट लिमिट फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेस, मतलब ग्रुप ए एंड फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, सबके लिए बता दिया। ग्रुप ए के लिए ही आपका अटेम्प्ट लिमिट है, एज लिमिट है या फिर ईयर गैप, मैक्सिमम 2 ईयर गैप अलाउड है, लेकिन 2 ईयर बीएड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, 2 ईयर एमएड के केस में भी ऐसा कुछ नहीं है। आई होप इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको स्टडी मटेरियल का प्राइस बताया 1200 फॉर 3 बुक्स एंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल का प्राइस 1600 एंड कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ अगर स्टडी मटेरियल लेते हो तो आपका प्राइस 2000 एंड इसके साथ साथ हम आरआईसी का कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग एंड स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर फुल प्रिपेरेशन कोई करना चाहता है आरआईसी के लिए तो इसका ऑफर प्राइस है अभी 5500 रुपीज़। अक्टूबर 30 से पहले अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसका प्राइस है 5500 रुपीज़। इसका नॉर्मल प्राइस 8000 रुपीज़ है, लेकिन हम ऑफर में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने सब कुछ इंक्लूड किया, सब कुछ हमने कैलकुलेशन या एक प्राइस फिक्स करने के बाद 8000 इसका प्राइस है, लेकिन हम ऑफर में आपको 5500 में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 30 से पहले अगर आप परचेज करते हो तो 5500 में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ठीक है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा एंड 1 साल का पूरा ऑनलाइन क्लासेस मिलेगा। अप टू 2023 का आरआईसी एग्जाम जिस दिन होगा तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे। एग्जाम से जस्ट पहले दिन तक हम आपको पढ़ाएंगे, एग्जाम के दिन भी हमको मोटिवेट करेंगे और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, एग्जाम देने के बाद भी आगे का स्टेजेस क्या क्या होता है वो सब कुछ भी आपको डीसीएस लर्निंग चैनल के थ्रू ही मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम में जाके देख सकते हो हम बच्चों को किस तरह से गाइड कर रहे हैं, ठीक है। जो न्यू एस्पिरेंट है उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो ओल्ड एस्पिरेंट है उनको डेफिनेटली चीज़ पता होगा। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप डिसीज लर्निंग को, मतलब डिसीज लर्निंग चैनल को पसंद करते हो तो वीडियोस को लाइक भी किया करो, ठीक है। एंड ये जो मैं आपको नॉर्मली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, जो इतना मेहनत करके स्टार्टिंग से 2.5 साल से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सही में इसमें इफॉर्ट दिखता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो जो भी न्यू एस्पिरेंट है, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन मिलेगा हमको और काम करने के लिए और लोगों को भी पता चलेगा कि डिसीज लर्निंग
कुछ है, कुछ ब्रांड है डिसीज लैंड, आप लोगों ने ऑलरेडी ब्रांड बना दिया है, लेकिन लोगों को वो चीज़ दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? आप जब सब्सक्राइब करोगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी दिखेगा कि हाँ डिसीज लर्निंग सही में एक मतलब ब्रांड है। अभी भी बहुत सारे लोग हमको कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको इसी वीडियो के थ्रू भी मैं आपको बताना चाहूँगा, हम किसी भी मतलब चैनल को या किसी भी को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम खुद डिसीज लर्निंग के थ्रू ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इसी के थ्रू ही हम आपको गाइड करेंगे हमेशा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।